हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके प्लांट्स में बहुत ही मैजिकली वर्क करेगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक मैजिक फर्टिलाइज़र, यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको दोस्तों आप लोग जनरली गार्डनिंग की भाषा में इसको कंपोस्ट टी बोलते हैं। अब ये कैसे बनती है, इसका यूज़ कैसे होता है, आज की इस वीडियोज़ में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियोज़ पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास जो है ये कंपोस्ट का ही एक पार्ट है। मेरे पास जो कंपोस्ट में लेके आया था, उसमें थोड़ा सा बड़े बड़े से इसमें साइजेस के भी ये कंपोस्ट बंद के रह जाते हैं, जो अगर आप इसे तोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। किसी हैवी चीज़ से अगर आप इसे ऐसे कुचल देंगे तो ये भी पाउडर बन जाएगा, बट अगर आप इसे कंपोस्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि अगर आप इसे पानी में डिज़ोल्व कर देंगे तो ईज़िली ये डिज़ोल्व हो जाएगी और आप इसे कंपोस्ट एज अ यूज़ कर सकते हैं। या तो आपके पास ऐसा ये नहीं है, आपको अगर एकदम फ्रेश आपके पास कोई भी कंपोस्ट है, या तो आपके पास लीव वाली खाद है, या तो आपके पास काउडंग कंपोस्ट है, या तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो आप कोई भी ऐसी कंपोस्ट जो पाउडरी है आपके पास बहुत साल की, जो एकदम ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है एकदम, जो पाउडरी बेस्ड हो जाती है, आप उसका यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अपन को करना क्या होता है कि डायरेक्टली आप लोगों को कंपोस्ट लेना है, अपने एक मेजरमेंट आप कर लीजिए कि आपको कितने कितने लेवल के हिसाब से उसको डालना है। जैसे कि अब मैं 10 लीटर की बाल्टी में बना रहा हूँ, तो 10 लीटर के लिए मैं इसमें ऐसी क्वांटिटी बनाई है ताकि मेरे जो है सारे प्लांट्स में इजीली हो जाए। तो आप इसका 1:5 कर सकते हैं, जैसे कि इसका 4 हिस्सा आप पानी लीजिए और 1 हिस्सा आप कंपोस्ट ऐड कीजिए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो आपकी कंपोस्ट ही रेडी हो जाएगी। तो मैंने जनरली किया क्या है, आप ये जो देख पा रहे होंगे बकेट पे, मैंने इसे कल ही बना लिया था, तो मैंने इसको 24 आवर्स के लिए पूरा छोड़ दिया, जिससे कि अच्छी तरीके से ये फर्मेंट हो जाए, क्योंकि एक इसकी प्रोसेस होती है, आप डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी गर्म होती है। और गोबर खाद मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ जो थोड़ी सी गर्म होती है, तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको पहले इसे 24 घंटे या 48 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके अच्छी तरीके से कंपोस्टी बन पाएगी। तो अब मैं इसकी प्रोसेस बता देता हूँ आपको फटाफट। तो मैंने ये जो बनाया है तो आपको बताता हूँ कि मैंने एक दिन पहले क्या किया था, ऐसे ही इसका कुछ पार्ट लेकर इसको पानी में अच्छे तरीके से डाल दिया था, और बीच बीच में मैंने किया क्या था कि एक छोटी सी लकड़ी की हेल्प से इसको ऐसे ऐसे चलाता गया हूँ, ताकि ये जो नीचे जम जाता है वो जमने भी ना पाए और अच्छी तरीके से ये मिक्सअप होता रहे। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो एकदम एक साइड पर जाके जम जाए, तो अच्छी तरीके से वो उसका रिज़ल्ट ना आ पाए। तो मैं इसको ऐसे बीच में चलाता रह गया हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो डार्क कलर होता है वो काफ़ी निकल के आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसका जैसा आप डार्क ब्राउन टाइप का कलर देख रहे होंगे ना, इसी को दोस्तों कंपोस्टी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये एक रिच सोर्सेज होता है नाइट्रोजन का, जिससे आपकी जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, उसमें जो लीव्स हैं वो काफ़ी अच्छी अमाउंट्स में आती हैं, काफ़ी शाइनी होती हैं। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों जो होता है इसे मैजिक फर्टिलाइज़र भी मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जब प्लांट पर देता हूँ ना, तो बहुत ही अच्छी तरह उसकी जो है ग्रोथ देखने को मिलती है, उसकी एक अलग ही इसमें फ्लावरिंग होती है बंचेज में। साथ ही साथ ये प्लांटों को डायरेक्टली मिल जाता है, जैसे कि अपन कंपोस्ट वगैरह देते हैं अपने प्लांट को, तो थोड़ा सा स्लो रिलीजिंग होता है, बट अगर आप उसी प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वाटर पे अगर आप उसे डिसॉल्व करके देंगे, तो प्लांट्स को बहुत ही ईजिली और जल्दी मिल जाएगा, तो वो एक बहुत ही इफेक्टिव आपके प्लांट्स पे वर्क करेगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसे प्लांट्स में कैसे अप्लाई करूँगा, और मैं इसको पत्तियों में भी यूज़ करता हूँ, तो आपको उसमें भी डाल के दिखाऊंगा कि मैं पत्तियों में कैसे यूज़ करता हूँ और क्या इसका रिजल्ट आता है। सो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मेरा कंपोस्ट है, इसके लिए मैं दोस्तों ये छोटा वाला भी मग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं जो है इसको 4 मग यूज़ करूँगा, यानी कि अगर आप कोई नॉर्मल मग का यूज़ कर रहे हैं जो अपन लोग नहाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आप 2 मग भी यूज़ कर सकते हैं। ये 10 लीटर की बाल्टी में 2 मग आपको इसको यूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होती है तो आप इसे डायरेक्ट भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, मैं इसको इसमें अच्छे तरीके से ऐड कर ले रहा हूँ। और दूसरी सबसे बात क्या है अच्छी, कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लिक्विड के बाद अब आप पूछोगे कि ये जो बड़े बड़े से इसके जो हिस्से हैं खाद के, अगर ये जो बच जाते हैं तो इनका क्या करेंगे फिर? तो ये जो होते हैं आप इसको अच्छी तरीके से क्रश करके, या आप इसे डायरेक्ट भी दबाएंगे, क्योंकि ये फूल चुके हैं 24 घंटे, तो आराम से ये टूट जाते हैं ऐसे करने में, देखिए ये। तो आप इसे फिर से भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं एज अ, आप कंपोस्टिंग जब बनाते हैं अपना पॉटिंग मिक्स, तो उसमें भी आप इसे डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करेगा, क्योंकि ख़राब तो होता नहीं है, एक आपका फर्टिलाइज़र कंपोस्ट के जैसे ही काम करेगा। तो ये वाला जो है हम लोग ने ये कंपोस्टी अपनी इसमें रेडी की हुई है, अब इस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब इसको क्या करना है अपन लोग को, अच्छे तरीके से एक बार इसको भी मिक्स कर लेंगे,
तो ताकि ये जो है पानी में अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए और बस ये रेडी हो गई है अपने प्लांट्स पे देने के लिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप अपने प्लांट्स पे रेगुलर वाटरिंग करते हैं आपको उसी तरह वाटरिंग करनी है। देखिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो आपको बस ऐसे मेरी तरह ही पानी देना है। ये देखिए मैं इसमें पानी दे रहा हूँ, जैसे आप नॉर्मली पानी देते हैं अपने गार्डन पे सुबह शाम अपने प्लांट्स को, तो वैसे ही आपको देना है। वैसे बस इसको एक टाइम देना है, दो टाइम मत दे दीजिएगा, आप इसको एक बार ही दीजिए, फिर आप अपना नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे। तो ये आपको जो आप इसमें डाल रहे हैं ये मैजिक फर्टिलाइज़र दोस्तों, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे इसके एक विजुअल रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप इसे डाल के देखेंगे अपने प्लांट्स में तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक विजुअल रिजल्ट और अच्छी ग्रोथ भी प्लांट में देखने को मिलेगी। तो सेम इस तरह आपको इस पर डालना है। अब मैं आपको इसमें जो फोलिएशर के थ्रू यानी कि स्प्रे बॉटल के थ्रू डालते हैं वो भी दिखा देता हूँ, उसके भी क्या बेनिफिट है वो भी बता देता हूँ। तो मैंने इसको भी अच्छी तरीके से अपनी स्प्रे बॉटल में भर लिया है। पर आपको ये ध्यान देना है कि आप जब अपनी स्प्रे बॉटल में डालेंगे तो किसी भी ऐसे छानने वाले चीज़ों से आप उसको छानिए, तो आप कपड़ा लगा के भी उसका पानी को एक बार छान सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसमें कंपोस्ट फंसा रह गया तो आपकी स्प्रे बॉटल ख़राब हो सकती है। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से इसमें भर लिया है, देन आपको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो ये मेरी स्प्रे बॉटल रेडी है। अब आपको ऐसे चारों तरफ अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रेयर के थ्रू ऐसे आपको पानी देना है। इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे आपके प्लांट्स में। सबसे पहला तो ये कि आपकी जो लीव है वो काफ़ी साइनी बनेगी, लश ग्रीन इसमें कलर आएगा, इसका फोटोसिंथेसिस बहुत ही अच्छा इसका प्रोसेस हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें एडवांटेज कि आप जब इस तरह से कोई भी कंपोस्ट ही प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें जो इसकी लीव्स होती हैं वो डायरेक्ट जो है इसका नरिशमेंट अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि आप जब नीचे कंपोस्ट देते हैं तो थोड़ा सा स्लो रिलीज होता है, पर ये जो है लीव्स को बहुत जल्दी मिल जाता है और आसानी से इसको लीव्स कैप्चर कर लेती हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आप ऐसे फ्लॉरिंग प्लांट्स पर डाल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अपने मोगरे प्लांट पर डाल रहा हूँ, तो ये इसमें फ्लॉरिंग को भी काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट कर देता है। तो आप अगर अपने घर पे ऐसे बनाना चाहें तो बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। थोड़ा सा स्मेल आती है, आई नो, मुझे मालूम है कि अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि कई लोग जो होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नेचुरल केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ साथ अगर आप नेचुरल भी ऐसे कोई भी फर्टिलाइज़र कंपोस्ट या कंपोस्ट टी ऐसे आप देते हैं तो बहुत ही आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी फ्लॉरिंग भी बूस्ट होगी, आपका प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इसमें लीव्स आएंगे, उसकी जो रूट है वो काफ़ी मजबूत होगी। तो इसमें आपको लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स इसके एक छोटी सी कंपोस्ट के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियोस में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरे वीडियोस ये अच्छी लगी होगी कि जैसे मैंने आपको बताया कंपोस्ट ही अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और मेरे वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पे कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।